बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है ज़ैफ़ा और आप देख रहे हैं बेस्ट फॉर यू। बहुत से दोस्तों ने मेरे से पूछा था कि क्या हम अडोब फोटोशॉप वाली एडिटिंग अपने मोबाइल के अंदर कर सकते हैं। तो मैंने इसके ऊपर जो सर्च वगैरह की तो एक सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर जिससे आप जो है सारी अडोब फोटोशॉप वाली एडिटिंग अपने मोबाइल के अंदर कर सकते हैं। अडोब फोटोशॉप के अंदर कुछ एडिटिंग ऐसी होती है जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह, वो आप उस सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं कर सकते। बहरहाल जो आप अपनी पिक्चर वगैरह है वो सारी एडिट आप अपने मोबाइल के अंदर कर सकेंगे। लाइक दैट, जैसे कि आप उसके अंदर मैनिपुलेशन कर सकते हैं और सीबी एडिटिंग, ये सारी एडिटिंग जो है वो आप अपने कंप्यूटर के अंदर और आप अपने मोबाइल के अंदर ईजीली कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वो देख लेते हैं सॉफ्टवेयर कौन सा है, उसका थोड़ा ओवरव्यू आज की इस वीडियो में हम करेंगे। तो उसे देखते हैं किस तरह से हमने डाउनलोड करना है। ये सॉफ्टवेयर जो है वो आपके प्ले स्टोर के अंदर अवेलेबल है, वहाँ से जो है इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री है। तो चलिए दोस्तों, ये मैंने अपना मोबाइल यहाँ पर ओपन किया हुआ है, तो इसको जो है वो हम यहाँ से प्ले स्टोर को ओपन कर लेते हैं, सर्च में जाते हैं और यहाँ पर हम टाइप करेंगे पिक्सआर्ट। ये देखें, ये आ गया पिक्सआर्ट, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। और ये देखें, ये फर्स्ट सॉफ्टवेयर है पिक्सआर्ट, आपने इसको डाउनलोड करना है। ये गाइड वगैरह की तरफ आपने नहीं जाना, ये इसके जो है वो ओवरव्यू है पिक्सआर्ट स्टूडियो। आप यहाँ पर देख सकते हैं पिक्सआर्ट आपको यहाँ पर शो हो रहा है, आपने जैसे इसके ऊपर क्लिक करना है एंड देन आपने यहाँ से इसे इंस्टॉल कर लेना है। ये तकरीबन दोस्तों आपको इसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से ही फॉलो करके इसको ईजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ये तकरीबन कोई 50-60 MB का सॉफ्टवेयर है, आपने इसे जो है वो डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपने यहाँ ओपन के ऊपर क्लिक करना है एंड देन ये जो है ओपन हो गया। अगर आप यही सॉफ्टवेयर जो है अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करना चाहते हैं और उसे यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। अगर आपके पास कंप्यूटर के अंदर विंडोज़ का जो प्ले स्टोर होता है, अगर आपके पास वो है तो आप उस पर ईजीली इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल भी कर सकते हैं। मैंने कंप्यूटर के अंदर भी किया हुआ है क्योंकि काफ़ी बेस्ट है। और उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करें गैलरी और यहाँ से आप चूज़ कर लें अपनी एक पिक्चर, एडिट के ऊपर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ से अपनी पिक्चर को जो है वो ओपन कर लिया है, अब इसके अंदर जो है वो एडिटिंग करेंगे। मैं आपको फ़िलहाल इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ। अब ये जो है ये सारे टूल्स हैं जो वहाँ पर अडोब फोटोशॉप के अंदर बार के अंदर शो होते हैं ना, तो वो सारे टूल ये यहाँ पर हैं, इफेक्टिंग वगैरह। इसका थोड़ा ओवरव्यू अडोब फोटोशॉप 7.0 से चेंज है। अब इसमें जो टूल्स आते हैं वो यहाँ पर भी हैं, कुछ देखें। ये क्रॉप टूल, कट टूल, फ्री क्रॉपिंग, शेप क्रॉपिंग, क्लोन्स एंड ट्री शिफ्ट, ये ब्लर है जो नॉर्मल मैं यूज़ करता हूँ वो वाला। अब ये देखिए यहाँ पर एडोब फोटोशॉप में ये यहाँ पर टूल्स होते हैं और ये इसका सारा आता है। तो इसमें जो वर्क एरिया है वो ये वाला वर्क एरिया है और ये जो है वो इसके टूल्स वगैरह और ये कुछ हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये सारे आपको टूल्स मिलेंगे जहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम एफएक्स के अंदर आएँ तो यहाँ से अपनी अपनी पिक्चर के अंदर जो ब्लर है और जो इफेक्ट वगैरह है वो यहाँ पर आ जाती है। अब ये देखें, अगर यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें एफएक्स के अंदर यहाँ पर ये, सॉरी, ये ब्लर सेलेक्ट हुआ हुआ है। एफएक्स, तो भी देखें यहाँ पर ये इस तरह की जो है वो, ये जो आजकल कैंडी कैमरा वगैरह के अंदर जो इफेक्ट हैं ये आपको वो भी इसमें मिल जाएंगी। आप पिक्चर खींचने के बाद से, कैप्चर करने के बाद आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ब्लर के ऊपर आते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये नॉर्मल ब्लर जो DSLR से होता है और ये लेंस ब्लर जो लेंस लगा के करते हैं जिसमें वो रोशनी को बहुत ज़बरदस्त दिखाता है, ये स्मार्ट ब्लर और या मोशन ब्लर, ये सारे आपको इसमें ब्लर्स भी मिल जाएंगे। इसके अलावा इसके अंदर जो आर्टिटिक्स वगैरह हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ये देखें ये जो है ना, ये इफेक्टिंग जो आई है ये असल में यूज़ होती है उसके अंदर सीबी एडिटिंग के अंदर, जो मेरे से दोस्त मेरे पूछ रहे थे। और ये जो है वो अडोब फोटोशॉप 7.0 के अंदर मौजूद नहीं है।
ये वाला फ़िल्टर यहाँ पर आता है, ऑयल फ़िल्टर यहाँ पर आप जब जाएंगे ना, लेकिन जो CC है और CS6 है उसके अंदर ये है, मैंने यूज़ की है। अब यहाँ से मैं जो है इसे ये आप सारे यहाँ से चेक कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल यहाँ पर नॉन कर देता हूँ और यहाँ से मैं पॉप कार्ट पे चले जाता हूँ, तो यहाँ पर ये दूसरे आर्ट वगैरह आ गए, ये देखें, ये कर्लिंग वगैरह जो अगर आपने जो करनी हो तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। ये थोड़ा सा इजी भी है एक तरह से, और जैसे कि अगर आपने बैकग्राउंड वगैरह चेंज करना हो तो उसमें आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, अदरवाइज़ आप यहाँ पर ये चेक कर सकते हैं। उसके बाद उस पर टैक्सिंग वगैरह आ जाती है, आप यहाँ पर टैक्स टाइप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर वैसे ही अगर टाइप करूँ तो ये देखें, ये भी सिंपल है। आप यहाँ से पे उसकी जो है वो डिज़ाइन जो यहाँ पर डोब में एयर टैक्सिंग में यहाँ पर शो होती हैं, तो ये इसमें सारे यहाँ पर शो कर रहा है। आप यहाँ से इसके कलर भी जो है वो चेंज कर सकते हैं, ग्रीन जो भी आपको कलर पसंद हो आप यहाँ से वो कलर भी, और ये उसकी जो है वो कैपेसिटी आ जाती है कि आपने उसे किस लेवल के ऊपर करना है। ये मैं आपको सारा समझाऊँगा स्टेप बाय स्टेप, मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट, मेरी इसके ऊपर वीडियोज़ आएंगी। आप इसकी कैपेसिटी को कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, और ये जो है ब्लाइंड, ब्लाइंड के अंदर आपको स्क्रीन और मॉडिफाइड डार्क जो यहाँ पर लेयर्स के ऊपर जो शो होती हैं ये वो आ गई हैं इस तरह से, और ये बाइंडिंग वगैरह अगर आपने टेक्स्ट को ये देखें ये इस तरह से करना हो तो ये सारे इफेक्टिंग भी इसके अंदर है। और उसके बाद यहाँ पर आते हैं स्टिकर्स, जो स्टिकर वगैरह लगाए होते हैं, और ऐड अ पिक्चर, अगर आपने यही पिक्चर है और आपने कोई और पिक्चर ऐड करना चाहते हैं यहाँ पर अपनी छोटी सी, या लोगो वगैरह मिसाल के तौर पे अपने यहाँ पर कोई लोगो लगाना है तो तब आप यहाँ पर ऐड पे क्लिक करके कर सकते हैं। उसके बाद जो सीक्वेंस फिट है, यानी कि अगर आप साइड पर से ब्लर करना चाहते हैं, ये देखें साइड पर से ब्लर हो गया, आप ये ब्लर डार्क कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ये आपकी ऊपर आता है। उसके बाद आता है बॉर्डर, अगर आप साइड पर बॉर्डर चलाना चाहते हैं तो आप वो भी यहाँ पर डाल सकते हैं, मास्किंग ड्रा और स्टंप लेंस। अब लेंस भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी हैं, जो आपने देखा होगा बाज़ का दफ़ा जो DSLR के अंदर जो लेंस यूज़ होते हैं जो साइड पर से रोशनी आ रही होती है सूरज की, वो सारे ये लेंस इन्होंने यहाँ पर रगड़े हुए हैं। काफ़ी सारे लेंस हैं, आप ये देख सकते हैं बहुत सारे लेंस हैं, तो ये डाउनलोड हो रहे हैं इस वक्त, लोड हो रहे हैं, आप ये भी लेंस यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक यूज़ करके दिखा देता हूँ, ये वाला मैंने ले लिया। अब इसे यहाँ से फ्रीली रोटेट कर सकते हैं, बड़ा छोटा कर सकते हैं। अब ये देखें, ये आप ऐसे डाल सकते हैं इजीली जो है। आप अब ये यहाँ पर मेरे कोई सन वगैरह नहीं आ रहा, तो अगर ये सन के हिसाब से जो है वो डलता है, या अगर आउटडोर शूट होता तो फिर तो, बट ये मेरा आउटडोर शूट नहीं है इसलिए। उसके बाद फ्रेम वगैरह और ये कार आउट जो यहाँ पर, वो मैं आपको बता देता हूँ, इस तरह आपको शायद समझ ना आए। अब जैसे ये है ना, यहाँ पर आप कुछ भी टाइप कर दें, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ हेलो, अंदर में यहाँ से मैं ओके करता हूँ, तो अब ये देखिए ये आ गया, इस पॉइंट को ले जाते हैं यहाँ पर, तो ये जैसे वो कार्टून वगैरह में दिखाते हैं कि ये हेलो कह रहा है या हाय कह रहा है जो भी, ये इस तरह की इफेक्टिंग भी इसके अंदर आपको मिल जाएगी। तो इसके ऊपर आगे मैं सारी वीडियोस लेकर आऊँगा, आपको बताऊँगा इसके अंदर सेव कैसे करना है, मैं कोई भी बताता हूँ आपने, यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आएगा, ये सॉरी मैं आपको फिर से बताता हूँ, ये देखें ये आपको एरो का निशान नज़र आ रहा है, आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपने सेव के ऊपर क्लिक कर देना। आप डायरेक्ट फेसबुक पे और व्हाट्सएप पर ईमेल पे शेयर कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पर गैलरी के ऊपर पहले सेव करें फिर से शेयर करें। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।